दोस्तों टारगेट स्टडी है क्योंकि आज के इस शानदार वीडियो में मैं सौरभ गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं यूपी ट्रिपल एससी के पीईटी का एग्ज़ाम 24 तारीख को दो शिफ्टों में होना है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विशेष रूप से एक बात का आपको ध्यान रखना है कि इस बार जो एग्ज़ाम हो रहा है ये ऑफलाइन मोड पर होगा, इसमें आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, ऑफलाइन एग्ज़ाम दोस्तों होने वाला है। और दोस्तों आप जानते हैं कि अब वो समय आ गया है कि बहुत कम एग्ज़ाम है जो ऑफलाइन होते हैं, सारे एग्ज़ाम लगभग ऑनलाइन होते हैं। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ऑफलाइन ओएमआर सीट में आंसर्स भरते समय आप किन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों होगा क्या कि जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं बताना चाहूँगा कि जैसे मान लो आपको ये एग्ज़ाम पेपर मिला हुआ है, ये एक बुक है, आप ये मान सकते हो कि ये एग्ज़ाम पेपर है। और ये एग्ज़ाम पेपर में क्या होता है कि इस तरफ क्वेश्चन हिंदी में दिए होते हैं और इस तरफ क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में दिए होते हैं। तो आप किसी एक साइड से क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो मान लो इस पेज में 10 क्वेश्चन है। अब ये 10 क्वेश्चन जब आप कर चुके होगे तो इसको करने के बाद में उसके जो आंसर्स होंगे ए बी सी डी वो आपको एक ओएमआर सीट दी जाएगी। वो एक मैं आपको रफली ऐसा ही दिखा रहा हूँ, एक्चुअल में ओएमआर सीट नहीं है लेकिन इसमें आपको आंसर्स भरने होते हैं। जैसे मान लो आपने क्वेश्चन नंबर 1 to 10 ये जो सॉल्व कर लिए हैं तो 1 to 10 के आंसर यहाँ पर 1 to 10 लिखा होगा और उसमें सामने आपको राउंड राउंड बबल भरना होता है। तो इसको किस तरीके से आप करो कि आपका समय ना बर्बाद हो। दो प्रॉब्लम दोस्तों आती है, एक तो ये कभी कभी कुछ लोग इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं कि एग्ज़ाम पेपर सॉल्व करने का समय उनके पास में कब पड़ जाता है। और कभी कभी दोस्तों ऐसी भी चीज़ें सुनने में आती हैं कि पता चला कि पूरा टाइम फिनिश हो गया, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए लेकिन बबल्स भरना भूल गए। तो आपके साथ में ऐसी गलती ना हो तो आपको एक बिल्कुल परफेक्ट तरीका मैं बताऊँगा जिसमें आपका टाइम भी नहीं वेस्ट होगा और आप सारे आंसर्स को सही से भर भी पाओगे। तो करना दोस्तों ये है कि आपको देखो क्या नहीं करना है, पहले वो समझो क्या नहीं करना है वो समझो। नहीं ये करना है, कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लो हमारे इस वाले साइड में पेपर में 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं तो कुछ लोग ऐसे करते हैं कि अपनी ओएमआर सीट को, इस ओएमआर सीट को बगल में रख लिया और यहाँ से क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा, उसका मान लो ऑप्शन है बी सही, तो यहाँ से देखा क्वेश्चन नंबर 1 और इस तरफ ओएमआर सीट में उसको बबल करने लग गए। फिर इस तरफ देखा क्वेश्चन नंबर 2 उसको किया, फिर इधर देखा ओएमआर सीट में वहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर भरा, फिर 3 में इधर देखा फिर ओएमआर सीट की तरफ। यानी कि जो 10 बार आपको कम से कम 10 बार 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 ओएमआर सीट में देखना पड़ रहा है, बार बार आपको क्वेश्चन पेपर में देखना पड़ रहा है, तो इससे हो क्या रहा है कि आप आंसर्स तो भर ले रहे हो लेकिन आपका टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है। देखना टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है। ये जो दोस्तों एग्ज़ाम होते हैं इसमें आता तो सबको सब कुछ है लेकिन हर चीज़ बात होती है कि कौन कितने कम समय में चीज़ों को कर पाए। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, अगर आप टाइम मैनेज कर गए तो आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेंगे और यही टाइम हमको बचाना है। तो ऐसा मत करना कि एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया उसका आंसर यहाँ पर लिखे, फिर दूसरा अटेम्प्ट किया फिर उसका आंसर यहाँ लिखे, बार 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 इधर उधर आपको देखोगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो यानी कि आपको ये तरीका नहीं अपनाना है, ठीक है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, बेसिकली दो तरीके अपनाए जाते हैं, उनमें से किसी एक को आप अडॉप्ट कर लीजिए। होता क्या है कि हम अपनी ये जो ओएमआर सीट है इसको पेपर के नीचे रख लेंगे, ठीक है, रख लिया। अब क्या करोगे, इस पेज में जो आपका ये पेज जो है ये पेपर है इसमें मान लो 10 क्वेश्चन हैं तो ये 10 क्वेश्चन को, इन 10 क्वेश्चंस को आप जल्दी जल्दी अटेम्प्ट कर लीजिए। अब आपको इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है, आप इन 10 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर दिया, आपने दसियों क्वेश्चन हो गए। इस तरफ तो उसी का इंग्लिश वर्जन होता है तो जाहिर सी बात है इस तरफ अटेम्प्ट नहीं करना है। मान लो इधर भी 10 क्वेश्चन हैं तो इन वाले 10 क्वेश्चन को भी आपने अटेम्प्ट कर लिया। अब क्या करो कि एक ही पेज में 10 क्वेश्चन इस तरफ हो गए, 10 क्वेश्चन इस तरफ हो गए, इनको एक साथ में बबल इनके फिल कर दो, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आपको बार बार इधर उधर देखकर टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ा। आपने 10 और 10 20 क्वेश्चन कर लिए, अब इस 20 क्वेश्चन को जैसे आप भरोगे कैसे, क्वेश्चन नंबर 1 का मान लो बी है, फिर ये ना देखो 2, ये देखो कि क्वेश्चन नंबर 1 के नीचे वाले का सी है तो उसी के नीचे वाले बबल को सी कर दो, उसके नीचे वाले बबल को डी कर दो, बी कर दो, ए कर दो। तो जल्दी से आप पूरे क्वेश्चन के आंसर भर गए, इस तरफ वाले पेज के भी पूरे, इस तरफ वाले पेज के भी पूरे आंसर्स भर लिए।
तो 10 बार जो आप इधर उधर देख रहे थे वो आपका बचेगा और बचे हुए समय का आप यूटिलाइज आगे कर सकते हो। फिर क्या करोगे, इस पेपर को इसका पेज पलटोगे, ये इस तरीके से आपने पेज पलटा और यहाँ पर आपको 10 क्वेश्चन थे, इस तरफ आपको 10 क्वेश्चन थे और इस तरफ भी आपके 10 क्वेश्चन थे। अब पहले क्या किया, इस 10 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर दिया, इस वाले 10 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर दिया, फिर अपनी सीट उठाई और ये जो 20 क्वेश्चन थे इनको एक साथ जल्दी से टिक कर दिया। ऐसे क्या होगा कि आपका समय बचेगा, ठीक है। और ऐसा भी नहीं होगा, कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोगों का तरीका मैं आपको बताता हूँ, कभी कभी ऐसी गलती हो जाती है। कुछ लोग क्या करते हैं दोस्तों, कुछ लोग पूरे पेपर को, जैसे मान लो ये पूरा 5-6 पन्नों का पेपर है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक, मान लो 100 क्वेश्चन आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 तक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लिया। अब ये पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लिया, उसके बाद में जब पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लिया, फिर वो उठाते हैं ओएमआर सीट और फिर एक तरफ से उसको भरना शुरू कर दिया, 1 2 3 4 1 2 3 4 इस तरीके से। तो इसमें कभी कभी गलती क्या हो जाती है कि भरते भरते समय ख़त्म हो जाता है, आपको नहीं पता होता है कि आप ये बबल्स 15 मिनट में भर लेंगे या 20 मिनट में भर लेंगे, और भरते भरते एग्ज़ाम की बेल बज जाती है और एग्ज़ामिनर आपकी ओएमआर सीट आपके हाथ से ऐसे छुटा के, अरे आप बोलोगे सर प्लीज़ सर कर देने चाहिए, सर सारे क्वेश्चन कर चुका हूँ सिर्फ बबल भरना बाकी है, वो कहेगा नहीं नहीं टाइम हो गया, और ऐसे करके वो आपसे सीट लेकर चला जाता है। तो ऐसी गलती मत करना, आखिरी टाइम के भरोसे मत बैठना कि सर आखिरी में सब कुछ कर लूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कर सकते हो कि चलो भाई 50 क्वेश्चन आपने इससे कर लिए, उसके बाद में ओएमआर सीट भर लो, फिर अगले जब 20 क्वेश्चन करो तो फिर से ओएमआर सीट भर लो, ये तरीका अपना सकते हो। बाकी जो एक साथ सारे ओएमआर भरने वाला जो तरीका है इसको कभी मत अपनाना। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपके मन में कोई भी ऐसा डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। और साथ ही साथ में दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा कि कॉन्फिडेंस इज़ द की ऑफ सक्सेस, आपने अब तक जो भी पढ़ रखा है मोर देन सफिशेंट है, कॉन्फिडेंस अपने अंदर बनाए रखिए, कॉन्फिडेंस आपका अप होना चाहिए, जो होगा देखा जाएगा, डरना नहीं है और नेगेटिव मार्किंग का ध्यान देना है। और साथ ही साथ में मैंने आपको करंट अफेयर्स का एक नोट्स भी दिया था जिससे कि आपके 5 से 10 नंबर बिल्कुल फिक्स आ जाएंगे, उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे भी आप लेकर फ़ायदा पा सकते हैं। आपके मन में कोई और डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।